नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट जैकफ्रूट फ्रॉम इंडिया, यानी कटहल को हम इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री में हम टारगेट कर सकते हैं, उसका मार्केट साइज क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है इस प्रोडक्ट की, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन कौन सी है, उसमें बेनिफिट्स क्या क्या आते हैं, डिमांड कौन कौन सी कंट्रीज में, यानी हम कहाँ कहाँ टारगेट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, HS कोड क्या है, EPC क्या है, हम सोर्सिंग अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मैं इसका सोर्सिंग कहां से कर सकता हूं, इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या है, तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो फ्रेंड्स, यहां पे मार्केट साइज आपको जबरदस्त देखने को मिल रहा है, अराउंड 286 मिलियन यूएस डॉलर का वर्ल्ड मार्केट साइड है। मतलब अगर आप देखेंगे कि छोटा सा एक कटहल है, एक फल ही तो है, एक सब्जी तो इसकी बनती है, तो इसका मार्केट साइज क्या होगा, तो 286 मिलियन यूएस डॉलर का वर्ल्ड वाइड इसका मार्केट है। अगर ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो ग्रोथ पोटेंशियल भी ये प्रोडक्ट अच्छा दिखा रहा है, अराउंड 3.2% इसका CAGR जा रहा है, यानी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये 3.2% दिखा रहा है प्रोडक्ट। तो आप इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास कटहल है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में इसको लेके जरूर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करूं, यानी वो कौन-कौन सी कंट्रीज जो कि सबसे ज्यादा कटहल को प्रोड्यूस करती है, तो ये एशिया का प्रोडक्ट है, एशिया में इसका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले पायदान पे पहले बांग्लादेश आया करता था, लेकिन अभी सबसे पहले पायदान पे हिंदुस्तान आता है। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, आपका देश, हमारा देश, हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है कटहल का, जैक फ्रूट का, जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी फेमस होता जा रहा है। तो हिंदुस्तान कितना प्रोडक्शन कर रहा है, अराउंड 1436 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है अकेला हिंदुस्तान। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, तो बांग्लादेश अभी 2 नंबर पे आ गया, हम लोग 1 नंबर पे है, तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही अंदर से, आई एम फीलिंग वेरी बेटर कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और हिंदुस्तान का इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है। तो आप लोग का इसमें साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिए। जो किसान भाई बहन है, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी आगे आइए, आप भी ट्रेडिंग सीखिए, आप भी एक्सपोर्ट कीजिए। तो यहां पर बांग्लादेश कितना एक्सपोर्ट, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, अराउंड 926 मीट्रिक टन पर ईयर का एक्सपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है बांग्लादेश। अगर थाईलैंड की बात करें, वो भी हमारे पास की कंट्री है, तो थाईलैंड के साथ में हमारा राइस का कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, हम नंबर 1 के राइस एक्सपोर्टर हैं और वो नंबर 2 पे आता है। तो राइस का वीडियो अगर आपने हमारा नहीं देखा तो जरूर आप उसको हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो थाईलैंड यहां पे कितना एक्सपोर्ट, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, अराउंड 392 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है कटहल का, जैक फ्रूट का थाईलैंड। अगर इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया के लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इंडोनेशिया भी प्रोडक्शन कर रहा है अराउंड 340 मीट्रिक टन, यानी 340 मीट्रिक टन का पर ईयर कटहल प्रोडक्शन कर रहा है। अगर मैं उसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूं कि कटहल की क्या और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको जानकर अच्छा लगेगा, तो जैक फ्रूट्स अगर बात करें तो लगभग वो एक पेड़ पे लगता है। मेरी भी एक फ्रेंड है, उनके उनके फादर डॉक्टर हैं, तो उनको जो सरकारी क्वार्टर उनको मिले हुए थे, तो उनके यहाँ पर एक कटहल का पेड़ था। आपके पास में भी देखें तो आपके पास में भी कटहल का कोई ना कोई पेड़ होगा, आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, जरूर सुना होगा। तो लगभग पेड़ के ऊपर ही लगभग वो 10 kg, 20 kg, या फिर अगर बात करें तो 100 kg तक भी एक कटहल का टोटल वेट हो जाता है। और अगर इसके सेकेंड फैक्ट्स की बात करें तो ये लगभग 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट के आसपास भी लग जाता है, और अप टू 80 फीट यानी 80 फीट तक भी ये देखा गया कि 80 फीट तक भी इसका मतलब जो क्रॉप है वो हो जाता है, यानी पेड़ है, जस्ट ट्री है, उसके ऊपर वो लगता है। तो ऐसे जस्ट आप वो मतलब कितनी हाइट पे लगता है, अप टू 80 मीटर तक भी वो हाइट देखा गया, 80 फीट तक भी उसका हाइट देखा गया है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज कॉल्ड एज मदरलैंड ऑफ जैक फ्रूट, यानी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप गूगल पे इसको डाल के देखिए, हिंदुस्तान को कटहल के मदरलैंड बोला गया है। तो मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर बेनिफिट्स की बात करें कि कटहल को खाने से और क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो इट कंट्रोल ब्लड शुगर, यानी वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कम करता है, रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, यानी आपके कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी जो रहती है, कब्ज जैसे पेट साफ नहीं होता है तो इससे कब्ज की बीमारी नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन के इश्यू नहीं रहती है। इट हैज द रिच एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियो में बताया, यानी आपकी उम्र थम सी जाती है, वो लोवरिंग द एजिंग इफेक्ट, यानी
40 साल की उम्र में भी आप 30 साल के लगेंगे ऐसा वो कर देता है एंटीऑक्सीडेंट, जो भी आप कंज्यूम करते हैं ज्यादा से ज्यादा आपकी एज थोड़े थम सी जाती है। इट रिड्यूस योर वेट, यानी वेट लॉस में भी अच्छा काम करता है। बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो ये अच्छा है, आप इसको खाइए भी और इसको आप एक्सपोर्ट भी कीजिए फ्रेंड्स। ये अच्छा फल है, अच्छा सब्जी इसका माना जाता है, तो आप इसको बना के खाइए भी और इसको आप एक्सपोर्ट भी कीजिए। अगर मैं बात करूं, इट इंप्रूव्स थायराइड फंक्शन, थायराइड के फंक्शन को भी अच्छा इंप्रूव करता है। विजन, इट इंप्रूव द विजन, यानी आंखों की रोशनी ये बढ़ाता है। इट इंक्रीज द स्पर्म काउंट, यानी स्पर्म काउंट, वीर्य के काउंट को ये बढ़ाता है, तो मेल्स इसको ज्यादा पसंद करते हैं। आप इसके बारे में और भी रिसर्च कर सकते हैं, स्पर्म काउंट ये कैसे बढ़ाता है। अगर हम डिमांड की बात करें, वो कौन कौन सी टॉप कंट्रीज है जिसमें इसका ज्यादा डिमांड माना गया है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है जापान। तो जापान में वैसे फल फ्रूट्स खाने वाले ऐसे बहुत लोग हैं जो वहां पर फेमस हैं। तो जैसे हमने स्क्वायर वाटरमेलन का भी वीडियो बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो भी हमारे चैनल पे जाके आप देख लीजिए जरूर फ्रेंड्स। तो जापान कितना इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 3150 यूएस डॉलर, यानी हम बोल सकते हैं 3.15000 यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 6.11% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं कनाडा की बात करूं, तो कनाडा में कुछ हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन भी रह रहे हैं, मतलब पंजाब से तो लगभग हर तीसरे घर में से एक बंदा कनाडा में जरूर आपको मिलेगा। तो कनाडा में इंपोर्ट हो रहा है, यानी कनाडा जो इंपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड से, अराउंड 1.78000 यूएस डॉलर का वो इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 5.94% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस में भी अच्छा इंपोर्ट हो रहा है, अराउंड 2.43000 यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 5.73% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम भी यहां पर अच्छा इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 2.13000 यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 4.63% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहां पर इंपोर्ट कर रहा है 1.91000 यूएस डॉलर, दैट इज 4.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर और कंट्री की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ह्यूज डिमांड है, यूएई में यानी दुबई में इसका अच्छा डिमांड है, कतर में अच्छा डिमांड है, यानी गल्फ कंट्री में को भी आप टारगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं एचएस कोड की बात करूं, तो ये 08 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 10 है, 1010, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 08109090, इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप इसको सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं सोर्सिंग की बात करूं, अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, तो मैं इसका, मैं किसान नहीं हूं, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैं ट्रेडर हूं, मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो मैं इसका सोर्सिंग कहां से कर सकता हूं, किस स्टेट में कितनी पैदावार दिखा रहा है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है त्रिपुरा, आपको जाना होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान में इसका प्रोडक्शन कर रहा है, तो त्रिपुरा कितना प्रोडक्शन कर रहा है, अराउंड 291.59 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है त्रिपुरा। अगर आप त्रिपुरा के रहने वाले हैं, तो आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इसमें इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हैं। तो त्रिपुरा कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 16.84% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं, तो सेकंड नंबर पे उड़ीसा आता है, तो उड़ीसा यहां पे प्रोडक्शन कर रहा है अराउंड 232.79 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है उड़ीसा, दैट इज अराउंड 13.44% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। अगर मैं आसाम की बात करूं, जैसे आसाम से चाय, टी भी बहुत, टी और कॉफी का भी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, तो आसाम वाला, वो आपने हमारा अगर वीडियो नहीं देखा टी वाला, तो आप जरूर उसको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आसाम कितना प्रोडक्शन कर रहा है, अराउंड 197.2 मीट्रिक टन प्रोडक्शन कर रहा है आसाम, दैट इज अराउंड 11.39% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वेस्ट बंगाल में भी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज अराउंड 196.76 मीट्रिक टन का, दैट इज अराउंड 11.36% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। अगर मैं कर्नाटका की बात करें, तो कर्नाटक से वैसे और प्रोडक्ट भी प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, तो कर्नाटका में कटहल का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज अराउंड 193.47 मीट्रिक टन का, दैट इज अराउंड 11.17% ऑफ द टोटल कंट्रीज प्रोडक्शन। अगर मैं केरला की बात करूं, तो केरला में भी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज अराउंड 190.15 मीट्रिक टन का, दैट इज अराउंड 10.98% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं ईपीसी की एक्सपोर्ट परमिशन काउंसिल की आती है, तो खाने पीने की चीजें मेरे से पहले आप ही बता देंगे कि सर इसमें अपेडा लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका आप आरसीएमसी ले सकते हैं, 5000 से 6000 रुपए के बीच में आपको उसका आरसीएमसी मिल जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अगर मैं बात करूं इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या लगने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो तो आपको लगना ही लगना है, जैसे आपका आईसी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया,
जीएसटी हो गया, आरसीएमसी हो गया, एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर आपका पैकेजिंग लिस्ट हो गया और वो इनवॉइस कॉपी हो गया, तो ये सब आपको लगेगा लगेगा। अगर इसमें फसाई की अगर आपको जरूरत पड़ती है, यानी अगर मांगता है आपका बायर, तो आपको इसमें फसाई भी आपको देना रहेगा, या फिर अगर आप इसको बाइसिप करें तो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट आपको लग जाता है, या फिर आपके पास अगर वो मांगता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको आपके चैंबर ऑफ कॉमर्स से मिल जाएगा। वो चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट जरूर देने रहेंगे अगर आपका बायर मांगता है, और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट तो आपके लिए 100% कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि कटहल का बिजनेस करना चाहता है या फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। ऐसे हमेशा की तरह ग्रो करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।